बैठने में फायदा है गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो दोस्तों, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मस्त, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ढोली उडायर मंदिर, जो कि पहाड़ों के बीच में है। सुबह के बज चुके हैं 5:30, तो हम सब रेडी हो चुके हैं। अब हम निकल रहे हैं घर से, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही लेट हो चुके हैं और अब हमें और लेट नहीं होना है। तो और हम यहाँ मेन रोड पर आ चुके हैं देखो, और हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है। दीदी हाय बोल दे। तो दोस्तों, अब हम निकलते हैं क्योंकि पहले ही लेट हो चुका है बहुत। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दो नदी एक साथ मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आमछोड़ पहुँच चुके हैं। ये गांव दुर्गा देवी मंदिर से पहले पड़ता है। तो देखिए, हम दुर्गा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं। यह मंदिर नदी के किनारे बना है, और इस मंदिर के किनारे आपको एक छोटी सी दुकान दिखेगी। उस दुकान में आए हैं अंकल जी, इतने अच्छे वो बनाते हैं ब्रेड पकोड़े, आपको सच में खा के मज़ा ही आ जाएगा। और जो आपको ये नदी दिख रही है सामने, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखने को मिलेंगी। और आपको जो ये पुल दिख रहा है, यहाँ से चरक के लिए रास्ता जाता है। वैसे मैं कभी वहाँ गई तो नहीं हूँ, पर मैंने सुना है कि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा अच्छा आता है, और वो मतलब कपल्स के लिए ज़्यादा बेटर अच्छी जगह है। वैसे आप सब भी जा सकते हो फैमिली के साथ, ऐसा नहीं है कि कपल ही जाएंगे वहाँ, करेंगे क्या कपल जाके। और हम यहाँ एक यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप पड़ता है बीच में, ऐता गांव के सामने। तो हम यहाँ पे थोड़ा पेट्रोल भरने के लिए रुक गए थे, अगर कहीं जाते जाते बीच में पेट्रोल ख़त्म हो गया तो क्या होगा भयंकर की। तो हम निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। तो गाइस, फाइनली हम ढोटियाल पहुंच चुके हैं। यहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही है। और यहाँ पे आप जितने भी लोग दिख रहे हैं, सबके सब अपनी जात लेके जा रहे हैं। तो गाइस, अब आपको पता ना हो कि जात क्या होता है, तो वो सब उसका मतलब ये होता है कि सब अपनी अपनी पूजा लेके जा रहे हैं। तो हम सुबह नाश्ता करके नहीं आए थे, तो हमने सोचा थोड़ा रुक के यहाँ चाय पानी पी लिया जाए। तो जब चाय पानी पी रहे थे, तो हमने सोचा परांठे भी खा लिया जाए, तो हमने थोड़े थोड़े परांठे भी खा लिए यहाँ पर। और यहाँ पर देखना, दीदी और सिमरन की हमेशा लड़ाई होती थी, जहाँ भी जाते बस दोनों लड़ते ही रहते, बस लड़ने के सिवा इन दोनों का कुछ काम नहीं है। देखो तो गाइस, हमने नाश्ता कर लिया है, तो अब हम निकल रहे हैं। निकलने से पहले हमने थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान ले लिया था, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह, अगर हमें बीच रास्ते में भूख लगे तो हम खा लेंगे।
तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर की फर्स्ट चौकी पर पहुँच चुके हैं। ये एरिया कालागढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। हमारी कार को यहीं पे रोक दिया क्योंकि यहाँ से छोटी गाड़ी नहीं जा सकती, बड़ी गाड़ी जा सकती है। उसकी छोटी गाड़ी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि आगे जाके पत्थर वगैरह है तो वो उसके नीचे के टायर जो भी है लग सकते। तो अब हमारी यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। तीन चार किलोमीटर चलने के बाद तो फाइनली एक गाड़ी हमें लेने आई, वो भी मेरा भाई आगे गया तो उसकी वजह से आई गाड़ी। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है और हम जा रहे हैं। जंगल सफारी में ओ। बैठने में फायदा है गाइस। बैठ जाओ गाइस, बैठने और भी मैक्स खड़ी हो रखी है। चलिए दोस्त, देखिए बुरे हाल हो चुके हैं। 108 आना मंगवाना पड़ेगा 108 को। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं बेचारे। तो यहाँ पे पत्तों की बारिश कर रहे हैं बच्चे। यशु कहाँ रह गया? वो होगा हाथी तो बहुत होंगे, बाघ भी है। अच्छा तो गाइस अब यहाँ से हमारी मेन यात्रा शुरू होती है। तो हम यहाँ थोड़ा पहले रेस्ट कर लेते हैं और मेरी मम्मी थोड़ा पूजा कर रही है यहाँ पर। अब यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो मम्मी की पूजा ख़त्म होते ही हमने थोड़ा यहाँ पर जो पराठे पैक कराए थे होटल से वो थोड़ा रुक के खाए। हमने अपना चटर पटर भी जो लिया था, हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह वो सब खाए। बच्चों को बहुत भूख लग गई थी, बेचारे चल चल के थक गए थे। 3-4 किलोमीटर कम नहीं होता है। फाइनली वन मेंबर पहुंच चुका है। बुरी हालत हो चुकी है, देखो क्या जंगल है खतरनाक वाला। सम गाइस आर रेस्ट। सबसे लेट कंटेस्टेंट हमारे बुरे हाल। अभी हमें कहाँ जाना है?
गिरते पड़ते सांची आती हुई है बेचारी। बदबू आजो। देखो यहाँ पे ब्लॉगर के क्या हाल होते हुए, ब्लॉगर ने ब्लॉग तो बनाया नहीं, हालत ही खराब होगी ब्लॉगर की। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं और हालत बहुत बुरी हुई। देखिए आप चढ़ाई कितनी खतरनाक है, ये बाबा के प्रति श्रद्धा है हमारी। अभी थोड़ा और रह चुका है, पानी बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, पानी का इतना बड़ा महत्व है। तो दोस्तों आप भी आएँ विजिट करें उत्तराखंड के सभी तीर्थस्थलों में से नंबर वन पे है, लेकिन हिडन है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। तो पहले जांच पड़ताल करें अच्छे से तभी आए, अपना सुख सुविधा का सामान पानी की बोतल वगैरह वगैरह खाना वगैरह साथ लेके चलें ताकि आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। हम पहुंच चुके हैं ढोड़ी उद्यान देवता के मंदिर, तो देखिए यहाँ कटिंग पटिंग हो रही है। तो फाइनली दोस्तों मंदिर पहुंच चुके हैं। देखो मंदिर पहुंचते ही बच्चों के डांस स्टार्ट हो गए, खुशी मतलब इतना पैदल चलने के बाद बेचारे। तो वहाँ मंदिर में पानी नहीं मिलता है तो बच्चे और रोहन पानी लेने के लिए नीचे गए। नीचे बहुत मुश्किल से इन्होंने पानी निकाला क्योंकि पानी एक नीचे मतलब पत्थरों के बीच में पानी था और आप सच में कसम से इतना ठंडा पानी था वो क्या बताऊँ। सो फाइनली गाइज ये लेने के लिए हमें करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर चढ़ना पड़ा पैदल, वो भी स्रोत का पानी लेके आए हम। तो दोस्तों देखिए इस चीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है ऐसी जगहों पे, तो इसको कैरी करके चले अपने साथ ज़्यादा मात्रा में। तो अब हम दर्शन करते हैं और मंदिर में नीचे जाने का रास्ता बहुत ही खतरनाक था क्योंकि ये बस एक यही रास्ता था जहाँ से हम नीचे मंदिर पे जा सकते थे और उसके उधर नीचे की साइड बहुत बड़ी मतलब ऐसा था खाई। तो गाइस हमने भगवान जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए और हम इससे आगे वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं था वीडियो बनाना। इससे आगे की वीडियो हम बना नहीं पाए क्योंकि हमारी टांगें बिल्कुल जवाब दे गई थी और कसम से फ़ोन पकड़ने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।